हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और शॉप क्लोज का हॉल लेकर आई हूँ, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे हॉल किए हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अभी मुझे दो प्रोडक्ट रिसीव्ड हो गए थे, तो मैंने दो का ही अनबॉक्सिंग कर दिया। आगे एक और है तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये, ब्लू डार्ट की साइट से आया है और इसकी कॉस्ट आप देख रहे हैं 69 रुपीज़ है, बट ये 69 रुपीज़ का नहीं है। आई थिंक ये मुझे 51 रुपीज़ का मिला था। मैं स्क्रीनशॉट यहीं पे मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं, और देखने से इसमें आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या है। इसमें जो है एक लाइटर है, जो कि डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा इसकी नीड होती है, और जो इसमें मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं वो तीनों ही बिल्कुल ही अलग हैं। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देख के जाइएगा। सो देख सकते हैं आप, ये बिल छोटू सा ही दिया है और इसमें अलग से कोई प्राइस मेंशन नहीं है कि फ़ाइनल हमें कितने का मिला है। तो ये है हमारा लाइटर, ब्लू और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, और क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक ही लग रही है। बाकी यहाँ पे इसके बारे में सब बताया गया है, एंड ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन चाइना है, और यहाँ पे सब बताया गया है कि बटन कौन से कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। ओपन होने पर ये सी प्लास्टिक की क्वालिटी लोकल है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये अभी लॉक्ड है। इसे मैंने अनलॉक किया ऊपर करके, तो सी इसकी फ्लेम काफ़ी अच्छी है, फ्लेम अच्छी है इसकी, एंड प्लास्टिक क्वालिटी ओके है। और ये जो आपको राउंड बटन दिख रहा है इसके अलावा, वो फ्लेम लो या हाई करने के लिए है। और यहाँ पे सब बताया गया है कि आप इससे कैंडल जला सकते हैं, या जो खाने के ऊपर स्मोक आउट करता है वो भी कर सकते हैं। बाकी और सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है, तो अच्छा है ये प्रोडक्ट, आप ले सकते हैं डेली लाइफ के हिसाब से भी। और इसकी ये आप नोज़ल देख सकते हैं कैसी है, अच्छी इतनी नहीं दिख रही क्वालिटी वाइज। और इसका जो साइज़ है ये आप देख सकते हैं, सो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है मेरी साइड से। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलिए अब हम चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, और ये जो है एक्सप्रेस 20 से आया है, और इसकी प्राइस 199 रुपीज़ है, और ये स्टिकर चिपका हुआ है, और इसमें जो इसकी प्राइस 199 रुपीज़ ओरिजिनल है, बट ये जो मिला है मुझे 130 रुपीज़ में मिला है, और स्क्रीनशॉट में यही मेंशन कर दूंगी। 130 रुपीज़ के हिसाब से ये स्टील डील थी, तो इसलिए मैंने ले लिया। और ये जो कंपनी है इसमें एक्चुअली शूज़ है, इसमें एक्चुअली स्नीकर्स हैं, सीधा डब्बा, पैकेजिंग अच्छी थी, लेंसर का फुटवियर है, इसमें स्नीकर्स हैं। और इसका रिव्यू जो है मैंने पहले फ़्लिपकार्ट पे देखा था, अच्छा था, तभी जाके मैंने इसे लिया था। और ये देख सकते हैं ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और मैंने 7 नंबर मंगाया था वही आया है। और इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बट इतना लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, जो कि उसमें बेस्ट पार्ट है। एंड टैग के साथ भी है, यानी ये फ्रेश पीस है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। सोल की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, एंड ये शेप के लिए दिया गया था। और इसका जो साइज़ है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई। एक्चुअली मेरा जो पैर है वो आगे से चौड़ा है, तो इस वजह से मुझे ये आगे से थोड़ी सी टाइट हो रही थी, और पीछे की साइड से थोड़ी सी ढीली हो रही थी। अगर आपका पैर नॉर्मल साइज़ का है तो आप अपने से एक साइज़ छोटा मंगा के देख सकते हैं, बाकी ये मेरी थोड़ी सी ढीली हो रही थी पीछे से। और अब मैं आप इसे पहन के दिखाती हूँ। सी पहनने पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप इसे लोकल मार्केट में या ऐसे ही आने जाने के लिए डेनिम के साथ भी इजीली पहन सकते हैं, लुक वाइज भी अच्छा है। बट आप देखिए मेरे पीछे एड़ी से ये बिल्कुल ढीला हो रहा है, और आगे से बिल्कुल फिटिंग का है ये। बाकी रिटर्न तो नहीं करने वाली मैं, क्वालिटी अच्छी है 130 के हिसाब से।
शॉपक्लूज से आपको जब भी कोई प्रोडक्ट लेना हो और आपको लग रहा हो कि पता नहीं कैसा आएगा, तो तुरंत आप जाके फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे उसकी रेटिंग चेक करिएगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जिस प्रोडक्ट में मुझे डाउट होता है तो सेम ऐसे ही करके मैंने ये प्रोडक्ट लिया था। फ्लिपकार्ट पे इसकी अच्छी रेटिंग थी और लोगों ने पहन के भी दिखाया था, जबकि इसकी जो आगे पट्टी है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, बट कंपनी के लिए, कंपनी के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये और वेल पैक्ड था। साइज़ का मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपके पैर नॉर्मल है तो आप एक साइज़ छोटा ही लीजिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं डब्बे पे भी मेंशन है 7 नंबर, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जुलाई 2019 की है, एंड इसकी जो MRP है वो 549 रुपीज़ की है। और बाकी प्रोडक्ट अच्छा था और डेली यूज़ के हिसाब से भी बहुत अच्छा था। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बाद में मुझे रिसीव्ड हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसे को भी ऐड कर लेते हैं। ये जो टी शर्ट है ये इसमें सुसी ये जो है एक टी शर्ट है जिसकी प्राइस 63 रुपीज़ है और ओरिजिनल प्राइस जो है 95 रुपीज़ था। और ये एक रगस्टर की टी शर्ट है, आपने देखी होगी एवेंजर्स वाली काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स आ रही थी, और मैंने इसका रिव्यू भी देखा था तो सबने बहुत अच्छा बताया था, दैट्स वाई मैंने ये ले लिया। और अदरवाइज़ मैं प्लेन टी शर्ट ही लेती हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टैग भी है, और ये टी शर्ट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं आपको अभी बताती हूँ क्यों। आप देख सकते हैं इसका जो प्रिंट है वो ऐसा लग रहा है बहुत ही लोकल क्वालिटी का है कि अभी निकल जाएगा, आई थिंक एक दो वॉश में इजली निकल जाएगा। और जो इसकी स्टिचिंग है वो भी इतनी खास नहीं थी, और ये जो कपड़ा ये कॉटन का था ही नहीं, बहुत ही अजीब सा पॉलिएस्टर टाइप कपड़ा था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शाइनिंग सा थोड़ा सा कपड़ा था, पहन के नहीं अभी देखा बट, और लेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा है। और अभी तक जितनी भी टी शर्ट्स ली है मैंने, मुझे बिल्कुल सबसे बेकार ये वाली लगी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और प्रिंट भी इतना अच्छा नहीं है। ब्लैक कलर की टी शर्ट है बट ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट, आपको कैसे लगे, आपने मंगाए कौन कौन से ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। और क्या लाइटर अच्छा लगा, या फिर आपको शूज़ अच्छे लगे, या फिर आपको टी शर्ट अच्छी लगी, आपने क्या मंगाया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय, एंड ऑल वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और गिव अवे का भी जो भी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं 30 जून को अनाउंस करूँगी विनर। तो टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।